प्यारी दोस्तों, आज के इस विलाग का मकसद हुकूमत की तवज्जा मबजूल कराना मकसूद है। पिछली तीन दहाइयों से लियारी और मिलीर की अवाम ने पार्टी से अपना रिश्ता जोड़ा हुआ है और आज भी जज्बाती वाबस्तगी मौजूद है। जहां तक पार्टी को हमेशा कायम और मुस्तहकम रखने की बात है, उसके लिए लियारी और मिलीर की अवाम ने अपना खून भी बहाया है, लेकिन हमेशा पार्टी कारकनान को और नौजवानों को कोई अहमियत नहीं मिली, जो कि उनका हक बनता है। लेकिन दक की बात यह है कि इंजारी और मुकमल होच के परो जैकेट्स में न मुलीर की और न है लियारी के लोग काम करते हुए मिलेंगे। जो स्कीमें तामीर की मरहली से गुजर रही हैं, इंदेशा है कि बाहर से लोग भर्ती होंगी। पेपल्स बस से लियारी और मिलीर की अवाम इस्तेफादा हासिल नहीं कर पा रही। ऐसा लगता है कि पेपल्स पार्टी लियारी और मिलीर के लोगों को सहूलियात फराहम करने से कासिर है, जो कि नजर भी आ रहा है। पार्टी की क़यादत का फैसला जो भी होता ही लियारे और मिलीर की पार्टी कारकनान फैसलों को तस्लीम करते हैं। ज्यादातर वुजरा और सीनेटर्स का ताल्लक भी लियारी से नहीं होता। ये हक तल्फी आखिर कब तक? नौकरियां इन लोगों को मिलते हैं जहां से 100 वोट भी नहीं मिलते पार्टी को। हालिया हुकूमत ने अवामी स्कीम का ऐलान किया, जो कि काबिल तहसीन है। हुकूमत अगर लियारी और मुलीर के पढ़े लिखे नौजवानों से मुखलिस और हमदर्दी रखती है, तो इन नौजवानों को मुफ्त IIT और ई कॉमर्स की मुफ्त कोर्सेज का एहतमाम करे और सरकारी स्कूलों में काम का आगाज जल्द अज जल्द करे। जो पढ़ा लिखा नौजवान कंप्यूटर खरीदने की सिखत नहीं रखते, उनको मुफ्त कंप्यूटर दिए जाने चाहिए।